ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक। किशनगंज पुलिस ने एक माह के अंदर चार लूट कांड का उद्भेदन किया, साथ ही इसमें लिप्त छह लोगों को हथियार, लूट की रकम और गहने भी बरामद कर लिया। पुलिस अधीक्षक कुमार आशीष की सूचना मिली कि कुसियार बाड़ी स्थित चाय बगान में खंडरनुमा एक मकान में कुछ अपराधी किसी बड़ी घटना का अंजाम देने की योजना बना रहे। सूचना मिलते ही डीएसपी के नेतृत्व में टीम गठित कर छापेमारी की गई, जहां छह अपराधी हथियार सहित दबोच लिए गए। अपराधियों से पूछताछ के दौरान कई गंभीर कांडों का खुलासा भी हुआ, साथ ही बीते हुए एक माह के अंदर चार लूट कांड में भी संलिप्त होने की बात स्वीकार भी किया। अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है जेवरात और हथियार के साथ में। देखिए, पिछले एक डेढ़ महीने के अंदर जिले में चार पांच घटनाएं सामने आई थी, जिसमें कि ठाकुरगंज सर्किल एरिया में छतरगाज, कोटिया, पहाड़कट्टा, ये तीनों जगह पर जो है लगातार लूट की घटना हो रही थी। इसमें एसआईटी का गठन किया गया था, एसडी पी जावेद अंसारी के नेतृत्व में इसमें कार्य किया गया है और कल इसमें बड़ी सफलता मिली। इसमें शामिल छः अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से हथियार भी बरामद हुए हैं और लूटे गए सामानों में करीब 750 ग्राम चांदी के जेवरात मिले हैं, 17,000 रुपये मिले हैं। इसके अलावा तीन जो मोटरसाइकिल की लूट की घटना हुई थी उसको भी बरामद किया गया है। इवन लूट के पैसे से जो गाय खरीदी गई थी उसको भी हम लोगों ने बरामद किया बछड़े के सहित, और इन सभी मामलों की वजह से करीब 6 केस का सफल उद्भेदन हुआ है, जिसमें कि हम लोग इसकी डिटेल चलवाएंगे और इस प्रकार छानबीन पुलिस ने इसमें बढ़िया काम। सर, क्या कुछ मामला सामने से नेटवर्क बंगाल से जुड़ा है, ऐसे और कितने लोगों हैं, क्या कुछ सामने आया है? देखिए, सीमावर्ती क्षेत्र है तो इसमें बंगाल के अपराधी का आवागमन बराबर लगा रहता है, जिसके लगातार दबिश बनाई जा रही है, वाहन चेकिंग अभियान हो रहा है। इसमें भी जो 6 अपराधी पकड़े गए हैं उसमें से 4 का बंगाल का कनेक्शन सामने आया है, तो उसकी भी शिनाख्त की जा रही है और सीमावर्ती जिलों से भी इसमें मदद।